मामला है बुलंदशहर के शाना ब्लॉक क्षेत्र का, जहां मतदान केंद्र की तरफ जा रहे भाजपा विधायक के काफिले को पुलिस ने रोका। सीओ व एसडीएम से भाजपा विधायक देवेंद्र लोधी व भाजपा जिला महामंत्री अजय त्यागी ने की हॉट टॉक। भाजपा महामंत्री ने कहा कि सरकार निष्पक्ष काम कर रही है और अफसर सरकार की छवि को लगा रहे हैं पलीता। भाजपाइयों ने पुलिस पर निर्दलीय प्रत्याशी की गाड़ी जाने का आरोप लगाकर किया हंगामा। फांसी दे, मुझे फांसी दे दीजो, मुझे फांसी दे दीजो। जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, आप हमारे मुख्य बताइए इन लोगों से, और ये कहिए जब मैंने आपके बच्चे बैठा के गए, आपने मिलवाए उनके वोट गिरने के बाद, नहीं नहीं जीप तो खड़ी है वहाँ, जीप नहीं खड़ी रहेगी सड़कों पर, तो हम काम कर रहे हैं। किसी गाड़ी के आगे जीप आ रही है, आप आश्वस्त रहिए। नहीं, हम आश्वस्त हैं, सरकार हमारी है, सरकार हमेशा अच्छा ही काम करती है, सरकार न्याय का ही काम करेगी। लेकिन मुझे जो पर्टिकुलर लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम इस बात को, समझे। ये कोई तर्क है मैडम का कि चुनाव प्रक्रिया जब तक चल रही है हम किसी अपराधी पर कार्रवाई नहीं करेंगे? आपने ये आपराधिक कृत्य ही है मैडम, किसी चुनाव संबंधी अपराध अगर हो तो उस पर कार्रवाई नहीं, कोई अगर हमें कोई हमें डंडा लगा के हमारी पिटाई कर दे, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे अरे आप दोनों पे कार्रवाई करो, आप किस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, उठा के बंद करो, खिलाफ एफ आई आर हो तो अरेस्ट हो, आप सबके कार्रवाई करो, अरेस्ट कर देना। दो लड़के थे यहाँ पे, ये आरोप हमारे कार्यकर्ता जो लगा रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा हूँ मैं, हमारे कार्यकर्ता बाहर खड़े हुए जो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक कक्ष से मिलकर पुलिस जो ये काम कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी सरकार जो निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, हमारी सरकार जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है ना, इसे आप लोग पलीता लगाने आप काम कर रहे हैं, समझे। ये आप लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।